ज्यादा पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं इसका उत्तर भागवत गीता के माध्यम से बड़ी ही अच्छी तरह से बताया है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। ये बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बात हो रही थी। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जो अधिक पूजा पाठ करते हैं वह हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लगे रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, प्रभु कृपया मुझे समझाइए। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था, वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वही पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें, मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर अच्छे शिष्य के मन में भी आया कि ये बात तो सही बोल रहा है, मैं कितनी पूजा करता हूँ, हर मंदिर जाता हूँ, तब भी मैं दुखी हूँ, और यह कहीं नहीं जाता, सिर्फ बुरे कार्य करता है, तब भी यह कितना सुखी जीवन व्यक्त कर रहा है। ये सब सोचते सोचते वह अपने गुरु जी के पास जाता है और उनसे यही प्रश्न पूछता है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जितनी योग्यता होती है उसको उसी अनुसार फल मिलता है, और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम स्वयं जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कांटा और उसको खजाना क्यों दिया। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे और आज तुम्हारी मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक पैर में कांटा चुभा। दूसरे शिष्य की बात करते हैं, पिछले जन्म में वो ही एक महान संत पुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन इस जन्म में कोई अच्छा कार्य न करने के कारण उसको सिर्फ पैसों से भरा बैग मिला, जबकि उसको आज बहुत बड़ा धनवान बनना था, अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। ये सब बातें सुनकर शिष्य की आंखें खुल गई और वह फिर से अपनी पूजा पाठ में लग गया।